से ले लो। अरे क्या बात है, चाची बोल रही है तो चाचा ढूंढ के दो। मैं खड़ी हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। ये फालतू, तुम सब मेरे जाने के बाद मीडिया वालों से बोल रही है कि चाची तो बोल दिया, अब चाचा ढूंढ के लाओ। चाची बोल रही है तो चाचा ढूंढ के दो। जी हाँ, सुनकर थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है। दरअसल उर्फी जावेद हाल ही में स्पॉट की गई मुंबई में, जहां उर्फी का दिखा एक अलग ही अवतार। अरे क्या बात है, आगे आगे आगे, बहुत दिन के बाद और आगे आ सकते हो? नहीं अरे इतना बहुत है चाचा, आप सामने देखिए मैम। उर्फी ने दुपट्टों से कपड़ा बना लिया था और हमेशा की तरह कुछ अलग कर लिया था। उर्फी जी सामने देखो, सामने सामने भी नहीं हो, ये क्या तुम्हें दिखा रहे हो? ओ भाई दीदी इधर है, नाम सामने देखो, सामने ये क्या बोल रहे हो? फिर इधर देखने को ये मत। ऐसे में हुआ कुछ ऐसा कि एक मीडिया पर्सन ने उन्हें चाची बुला दिया, जिस पे उर्फी ने कहा कि अब चाची तो बोल दिया, चाचा भी लेकर आओ। पल उर्फी हमेशा मीडिया वालों से इस तरह की बातें करती रहती हैं, लेकिन उर्फी का थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा। जब एक कैमरा उनके नजदीक आता हुआ दिखा तो उर्फी ने कह दी कुछ ऐसी बात। मैं खड़ी हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। ये फालतू, तुम सब मेरे जाने के बाद इसको मारना पकड़ के। सुना आपने, उर्फी ने कहा कि मेरे जाने के बाद इसकी पिटाई करो। क्या करना है अंकल, तो पास हारो, बताओ क्या करना है? पांडे मैं खड़ी हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। ये फालतू, तुम सब मेरे जाने के बाद इसको मारना पकड़ के। इसको तो इसी टी शर्ट में लिखा भी है मारने वाला, इसको मारो सब पकड़ के। उर्फी ने ये बात मजाक में कही या सीरियसली ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उर्फी के चेहरे पर थोड़ा सा एंगर जरूर दिखा था। क्या करना है, मैं खड़ी हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। ये फालतू, तुम सब मेरे जाने के बाद इसको मारना पकड़ के। ये तो रही उर्फी के लेटेस्ट लुक की बात, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं उर्फी का इससे पहले वाला अवतार। उर्फी का ड्रेस आपको याद है? वेल, ये वही ड्रेस है जो पहले एक साड़ी हुआ करती थी। उर्फी ने अपनी पहनी हुई साड़ी की खूबसूरत सी ड्रेस बना ली, और अगर किसी को याद ना हो तो उर्फी ने इसे अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट भी कर दिया। तो कैसी लगी आपको उर्फी की ये दोनों क्रिएटिविटी, हमें लिखकर जरूर बताइएगा।